नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बात करते हैं यूपी की, तो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण में अंबेडकर नगर, अलीगढ़, कुशीनगर, कौशाम्बी, गाजीपुर, फरुखाबाद, बुलंदशहर, बस्ती, बहराइच, बांदा, मऊ, मथुरा, शाहजहांपुर, संभल, सीतापुर, सोनभद्र तथा हापुड़ जिलों में मतदान शुरू हो चुका है। बता दें इसके साथ ही कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतदान करवाए जा रहे हैं। और बताते चले कि ये आज आखिरी चरण के चुनाव हैं, जिसके बाद 2 मई को पंचायत चुनाव के नतीजे आएंगे। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि शाहजहांपुर के पनवाड़ी गांव के मतदान के दौरान प्रत्याशियों के एजेंटों में मारपीट और फायरिंग की खबर भी सामने आई है। तो मैं आपको बता दें, सुबह से ही जो है मतदान शुरू हो चुका है, लेकिन इस वजह से इसी बीच जो 17 जिलों में जहां मतदान किया जा रहा है, वहां से अलग अलग जगहों से हिंसात्मक घटनाओं की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो वहीं इसी बीच, इसी कड़ी में आपको बता दें, शाहजहांपुर से यह खबर सामने आई थी, जहां पर जो प्रत्याशियों के एजेंट्स हैं उनके बीच मारपीट और फायरिंग की खबर निकलकर सामने आई है। तो वहीं बात बांदा की करें तो बांदा के पचुला गांव में भी लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। इसके साथ ही सोनभद्र में गुरुवार को मतदान को लेकर वोटरों में सुबह से ही काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और आपको बताते चलें कि अब तक 10.79% वोट डाले जा चुके हैं। इसके साथ ही सीतापुर की ग्राम सभा बरादपुर की महिला प्रत्याशी ने विपक्षियों पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बता दें इस वक्त निकलकर आई है ये खबर जो है, जहां पर एक महिला प्रत्याशी ने विपक्षियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है। और ये बता दें, ये मामला जो आरोप है जिस प्रत्याशी ने लगाया, तो सीतापुर की ग्राम पंचायत से जो है आरोप सामने आया है, जहां पर यह आरोप लगाया गया है कि उस प्रत्याशी को जो है पोलिंग बूथ में नहीं घुसने दिया गया, जिसको लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों से महिला प्रत्याशी ने शिकायत दर्ज करा दी है। बता दें, महिला प्रत्याशी का साफ तौर पर यह कहना है कि उसे पोलिंग बूथ से भगा दिया गया। तो वहीं आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मिला जुला रिस्पॉन्स जो है, मिला जुला असर लोगों में देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें, इसी बीच कई हिंसात्मक घटनाएं भी जो है अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं, जहां पर प्रत्याशियों के बीच मारपीट और लड़ने का मामला सामने आया है। इसी बीच शाहजहांपुर से भी प्रत्याशियों के जो एजेंट्स हैं उनके बीच मारपीट और फायरिंग का मामला सामने आया। तो वहीं बांदा में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है, क्योंकि आपको बता दें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, इनको लेकर जो है कड़ी सुरक्षा के बीच पंचायत चुनाव करवाए जा रहे हैं। और अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जो है समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं, जहां पर कहीं जगह पर ऐसा देखा गया है कि पंचायत चुनाव का बहिष्कार लोग करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं एक महिला प्रत्याशी की तरफ से विपक्षियों पर यह आरोप लगाया गया है कि उसे पोलिंग बूथ से दबंगों ने भगा दिया है, पोलिंग बूथ में घुसने नहीं दिया गया, जिसको लेकर महिला प्रत्याशी की तरफ से उच्च अधिकारियों को शिकायत पत्र सौंपा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की छवि इस वक्त देखने को मिल रही है, त्रिस्तरीय चुनाव का जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, इसी बीच कोरोना का जो संक्रमण है वो भी काफी प्रबलता के साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। और इसी बीच पंचायत चुनाव के जो दौरान 135 शिक्षकों की जो भर्ती लगी हुई थी, जो ड्यूटी लगी हुई थी, तो उनमें से 135 शिक्षक जो है उनकी कोरोना संक्रमण के कारण जो है मौत हो गई है, जिसकी वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को कड़ी फटकार भी बता दे लगाई गई है, जहां पर उन्होंने कहा कि कारण बताओ नोटिस एक जारी कर दिया गया है चुनाव आयोग को, क्योंकि कई दावे किए गए थे कि त्रिस्तरीय चुनाव को जो है प्रोटोकॉल के तहत, जो कि कोरोना प्रोटोकॉल है, उन्हें लागू करवा दिया जाएगा और शांतिपूर्वक, सुरक्षा पूर्वक और सावधानी के साथ जो है चुनाव करवाए जाएंगे, मतदान करवाए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद जो ड्यूटी करने वाले शिक्षक हैं, 135 शिक्षक आपको बता दें कि उनकी मौत हो चुकी है, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। और इसके साथ ही आपको बता दें, 27 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की भी जो है आगे कार्रवाई की जा सकती है। और इस पूरे मामले में 3 मई को जो है आपको बता दें सुनवाई की जाएगी। तो इसी बीच आपको बता दें, आज चौथे चरण का जो है पंचायत चुनाव किया जा रहा है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज चौथा चरण है, जहां पर 17 जिलों में जो है मतदान किए जा रहे हैं। और इसी बीच अलग अलग केंद्रों से जो है, अलग अलग पोलिंग बूथ से अलग अलग तरह की खबरें जो है, मिला जुला रिस्पॉन्स इस वक्त देखने को मिल रहा है। कई पोलिंग बूथ पर भारी संख्या में काफी उत्साह के साथ जो है मतदाता वहां पर पहुंचे हैं मतदान देने के लिए। और इसके साथ ही सुबह 7 बजे से ही ये प्रक्रिया जो है शुरू की गई थी। और इसके साथ ही अब बता दें कि शाम 6 बजे तक चुनाव जो है जारी रहेंगे। और इसी बीच बता दें चले कि चुनाव में ड्यूटी पर इस वक्त भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है, और सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम इस बार कुछ ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं। इससे पहले 3 चरणों में जो है मतदान किए जा चुके हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते, और आज
चौथे चरण का यानी अंतिम चरण का जो है पंचायत चुनाव का मतदान किया जा रहा है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी लोगों से करवाया जा रहा है और लागू किए गए हैं कड़ाई के साथ जो भी कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं, कोरोना के जो भी नियम हैं उनका कड़ाई के साथ पालन करवाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से लगातार चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की जा रही है और आपको बता दें मुस्तैदी के साथ पुलिस जो है अपना दायित्व निभाती हुई भी नजर आ रही है। और कई जगहों पर आपको बता दें कि देखा जा रहा है कि लोग कड़ाई के साथ जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, तो वहीं कई जगहों पर कम भीड़ देखने को मिली है। लोग कोरोना के डर से पोलिंग बूथ तक नहीं आए हैं, बता दें पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर जो है काफी लोग जो है देखे जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतदाता मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें आज उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का चौथा चरण है, तो चौथा चरण होने के साथ साथ ये अंतिम चरण है वहां पर, आपको बता दें। और इसके साथ ही इस दौरान जो है भारी संख्या में लोग अपना मतदान देने के लिए आए हैं, काफी उत्साह के साथ सभी मतदान देने पहुंचे हैं। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि लगातार जो है पुलिस की तरफ से भी सुनिश्चित किया गया है सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को और कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन कराने को लेकर भी पुलिस का जो रवैया है काफी सख्त नजर आ रहा है इस वक्त। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भी हाल ही में चुनाव आयोग को जो है फटकार लगाई गई थी, चुनाव निर्वाचन आयोग को ये फटकार लगाई गई थी कि जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस को लागू कराने का जो रवैया रहा है कहीं ना कहीं उसमें ढील बरती गई, जिसकी वजह से काफी लोग जो है कोरोना संक्रमण का शिकार हुए और अधिकतर लोगों की जिसमें से मौत हो गई है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है तो उसको देखते हुए काफी सुरक्षा के लिहाज से सामने काम किया जा रहा है। तो वहीं किशन शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। किशन, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है। आपको बता दें बस्ती में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं मतदान में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी गई। तमाम ऐसे मतदान बूथ थे जहाँ पे बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बरती गई। अब बात कर लें अगर डुबोरिया के कटहरिया बूथ पे सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, पुलिस बिल्कुल एक साइड में बैठी हुई थी और जो जो मतदाता थे वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए कहीं कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए जरूर दिखाई दे रहे थे। तो किशन, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या रवैया देखने को मिला है वहां पर, क्योंकि सख्ती के साथ जो है हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है और कहा गया सख्त तौर पर कि कोरोना के जो भी नियम है, जो भी गाइडलाइंस है, उनका सख्ती के साथ पालन कराया जाना चाहिए। देखिए कहीं कहीं हाईकोर्ट ने तो कड़ी फटकार लगाई ही थी, लेकिन फिलहाल बस्ती में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगभग 50% ऐसे बूथ दिखाई दिए जहाँ कोविड प्रोटोकॉल की खुलेगा जा रही थी और पुलिस प्रशासन जो थी वो बिल्कुल बैठी हुई थी और जो मतदाता थे वो अपने तरीके से मतदान का उपयोग कर रहे थे। तो कहीं कहीं एक दूसरे से चिपके हुए और बिल्कुल कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां जरूर उड़ाते हुए दिखाई दे। हालांकि लोगों के चेहरे पर मास्क था, लेकिन कहीं कहीं दो गज टेम्परेचर चेक किया जा रहा था, लोगों का सैनिटाइज करवाए जा रहे थे हाथ, बाकी व्यवस्थाएं देखिए हाथों को सैनिटाइज तो जरूर कराया जा रहा था, लेकिन टेम्परेचर चेक करने की व्यवस्था लगभग अधिकांश बूथों थी। कुछ ऐसे एक दो बूथ थे जहाँ पे थी, लेकिन बाकी जो बूथे थी वहाँ पे ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं देखने को मिला था और खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही थी। तो वहीं इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे किशन कि जो लोग पोलिंग बूथ के अंदर एंटर कर रहे थे मतदान के लिए उनके चेहरे पर मास्क था या नहीं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग थी कमरे में या नहीं, कुछ पता चल पाया? देखिए कमरे में सोशल डिस्टेंसिंग तो जरूर थी, लेकिन मतदाताओं में कहीं कहीं यार कोविड के प्रति जागरूकता नहीं दिखाई दे रही थी और लगातार वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे। हालांकि करीब 10-11-12 बजे तक मतदाताओं की लंबी भीड़ और सत्ता देखी गई थी जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ाई जा रही थी, लेकिन हालांकि जब कड़ाके धूप खिलती गई टेम्परेचर बढ़ता गया लोग मतदाता जो थे उनकी भीड़ कम होती गई अब कहीं सोशल डिस्टेंसिंग जी। किशन अभी लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ रफीकुल्ला खान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं बहराइच से। रफीक, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं मतदान के दौरान। रफीक,
से चौका बहराइच में मतदान शुरू हो गया है और पूरी तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से मतदान किया जा रहा है। मतदाताओं में इस बार उत्साह अधिक दिखाई दे रहा है। खास बात तो ये है कि मतदाता जितने भी हैं वो मास्क लगाए हुए हैं और सोशल डिस्टेंस का भी थोड़ा बहुत पालन कर रहे हैं। मगर खास जो बताने वाली खास बात ये है कि जहां वोट पड़ रहा है अंदर कमरे में, वहां ना अधिकारी मास्क लगाए हुए हैं पोलिंग बूथ के और ना वहाँ जो है वोटर मास्क लगाए हुए हैं। जी रफीक, जाना चाहेंगे पुलिस का किस तरह की भूमिका यहाँ पर देखने को मिल रही है, किस तरह का रुख पुलिस का है वहाँ पर? पुलिस का रुख लाइन ऑर्डर मेंटेन करने का है। पुलिस ना तो सैनिटाइज करवाने के लिए कोई प्रेशर दे रही है, ना मास्क लगाने के लिए। अगर कोई मास्क लगाया है तो ठीक है, अगर कोई मास्क नहीं लगाया है तो ठीक है। पुलिस का किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। जी किशन, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि रफीक ने बताया कि वहां पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं मतदान के अंदर, वहां पर उन्होंने मास्क नहीं लगाए हुए हैं, वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए पल्लवी, अगर पुलिस कर्मियों की बात कर लें या अधिकारियों की बात कर लें तो वो जरूर मास्क लगाए हुए थे और कोविड प्रोटोकॉल की पालन कर रहे थे। हालांकि मतदाता जो थे वहां पे वो ऐसे में वो उनके उनके प्रति कोविड के प्रति जागरूक कहीं कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। हालांकि जब मीडिया के कैमरे जब पहुंचते थे वहां पे, जरूर पुलिस दौड़ के आती थी और लोगों को दो गज की दूरी बनाने के लिए जोर देती थी। उसके पहले बस्ती पुलिस जो थी वो एक साइड में बैठी हुई और आराम फरमाती दिखाई दे रही थी। रफीक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहाँ पे हिंसात्मक कोई घटना इस वक्त घटी है क्या? क्या मारपीट का इस तरह का कोई मामला सामने आया? फिलहाल कोई घटना नहीं घटी है, प्रशासन के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बस खास बात ये है कि पोलिंग बूथ के अंदर जो वोट डाले गए हैं जा रहे हैं उसमें महिला अधिकारी बैठी हुई है, वो पूरी तरीके से मास्क या कोविड का पालन नहीं कर रही है। जी सर किशन, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर परिस्थितियां कैसी दिखाई दे रही हैं, क्या किसी तरह से हड़कंप या हंगामा किसी तरह का किया गया है समर्थकों की तरफ से? नहीं, देखिए जो मतदान है अभी तक बस्ती में जितने बूथों पे हो रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। हालांकि पुलिस की लगातार चौकी बढ़ी हुई है और लगातार पुलिस बयान गश्त कर रही है और वहां पे मतदान हो रहा है वहां पे भारी पुलिस बल तैनात है। हिंसात्मक घटना तो कोई बस्ती जिले में नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल कहीं कहीं जो कोविड के प्रति लोगों को जागरूक होना था और जिस तरीके से बस्ती में कोविड का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए लोगों को सचेत रहना चाहिए था। और सुबह के वक्त जो करीब 10-11 बजे तक जो कोविड प्रोटोकॉल की लगातार धज्जियां उड़ाई गई हैं वो नहीं होना चाहिए था। जी किशन, इसी तरह आंकड़ों की अगर बात की जाए तो पहले के मुकाबले इस बार मतदान केंद्र पर कितने लोग पहुंचे हैं, क्या संख्या ज्यादा रही या फिर कम? देखिए पल्लवी, अभी तक अगर मतदान की बात करें करीब 27-28% अभी तक मतदान हो चुके हैं बस्ती जिले में। लगभग किसी बूथ से 21%, किसी 27% ऐसे मतदान लगभग अभी हो चुके हैं। हालांकि अब जो है काफी धूप है और मतदाताओं को वहां खड़े होने में काफी दिक्कत होती थी क्योंकि काफी ऐसे बूथों पर हमने देखा जहाँ पे टेंट की भी छाए की भी व्यवस्था नहीं थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मतदाताओं को मतदान करने में इस धूप में काफी परेशानी भी हो रही थी और मतदान केंद्रों पे काफी असुविधाओं भी देखी गई। जैसे कि कुछ ऐसे मतदान केंद्रों पे हमने देखा कि जहाँ पे टेंट लगाए गए थे छाया के इंतजाम किया गया था, लेकिन और कुछ ऐसे मतदान थे जहाँ पे बिल्कुल कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो कहीं आपके पास रफीक, आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि वहां पर कितने लोग इस वक्त देखे जा रहे हैं मतदान केंद्र पर? मतदान केंद्र पर खास बात तो ये है कि विगत वर्षों की तरीके से इस बार भीड़ नहीं है और फिलहाल तो 100-150 की संख्या में लोग देखे जा रहे हैं। और चूंकि धूप की वजह से और थोड़ा कोविड की वजह से वोटिंग पर असर पड़ा हुआ है। जी रफीक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। किशन, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर कितनी महिला प्रतिशत देखी गई है, वोटर्स जो है महिलाओं की संख्या कितनी है और पुरुष जो है वहां पर कितने मतदान देने आए हैं वहां पर? देखिए पल्लवी, लगभग महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जो थी सुबह की लंबी महिलाओं की लाइन भी देखी जाए थे, पुरुषों की भी काफी लंबी लाइन देखी गई थी। लेकिन अभी हालांकि अब धूप ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो कहीं कहीं लोग अब मतदान करने से नहीं जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कहीं कहीं 3 बजे का वक्त होगा, थोड़ा धूप हल्का होगा तो मतदाताओं की फिर से एक बार भीड़ बढ़ेगी। जी तो पिछले चरण में जो देखा गया था करीब 73% जो है वोटिंग की गई थी, इस बार क्या लगता है कि ये परसेंटेज जो है ये फीसदी बढ़ सकती है? देखिए कोविड तो चल ही रहा है, लगातार ग्राफ बढ़ा, लोगों को भाई भी है तो कहीं कहीं जो माना जा रहा है इस साल जो है पंचायत चुनाव में कुछ हद तक जो वोटिंग की परसेंटेज है कम रहेगी।
जी किशन, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि और किस तरीके की व्यवस्था जो है पुलिस की तरफ से वहां पर की गई है। इसके साथ ही दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि वहां पर प्रत्याशियों की तरफ से क्या अभी भी किसी तरह का प्रचार किया जा रहा है? देखिए, जो प्रत्याशी हैं, अगर प्रत्याशियों की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी जो है करीब मतदान केंद्र से करीब 200-300 मीटर दूर से अपनी पूरी टेंट लगाए हुई है। जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे वो बात कर रहे हैं, उनसे अपने चुनाव चिन्ह पर मतदान का प्रयोग करने के लिए निवेदन भी कर रहे हैं। कहीं कहीं जो प्रत्याशी है उनको अपने काम पूर्ण तरीके से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ अप्रिय घटना भी बस्ती जिले में अभी तक नहीं दिखाई दी है। और अगर व्यवस्था की बात करें कहीं कहीं तो व्यवस्था बस्ती जिले में जो व्यवस्थाएं की गई थी पंचायत चुनाव के लिए मतदान के लिए, तो कहीं कहीं वो पूरी रूप से सुचारू रूप से नहीं दिखाई दी, क्योंकि इतनी कड़ाके की धूप जहाँ बस्ती में टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है, ऐसे में टेंट की व्यवस्था जरूर होना चाहिए था मतदाताओं के लिए, ताकि वो छाए में खड़े होकर आराम से अपने मत का प्रयोग कर सके। जी, इसके साथ ही क्वेश्चन ये भी जान जाएंगे लोगों की प्रतिक्रिया किस तरीके से देखने को मिल रही है, किस तरीके का उत्साह लोगों में देखा जा रहा है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि आज अंतिम चरण का चुनाव है, तो इसको लेकर प्रत्याशियों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए, प्रत्याशियों की प्रतिक्रियाएं तो लगभग ठीक ही है, और आज बस्ती में अंतिम चरण का मतदान है। कहीं कहीं जो मतदाता है वो काफी उत्साह उनके अंदर था, उत्साह के नाते काफी लंबी लाइनें भी लगी थी सुबह के वक्त, और इस वक्त तो कम भीड़ है कहीं कहीं धूप को देखते हुए, और लोग जरूर मतदान के प्रति जागरूक जी। किशन लौटेंगे आपके पास, सत्यवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल पल्लवी, आप बता दो, जिस तरह से आज जो है आखिरी चुनाव है, तो देखिए आज सबसे जिलों में जो है चुनाव किया जा रहा है। आपको बता दें प्रशासन तरफ से लगातार तमाम जो है एक कोशिश की गई है कि किसी वजह से चालू ब्रेक हो जाए, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता कि कोई भी चूक हो जिस तरह की कोई दिक्कत सामने आए। तो देखिए लगातार प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन की तरफ से तमाम जो कोशिश की गई है, तो आप बता दें कि प्रशासन बात करते हैं जिला जिला अधिकारी की, तो तमाम वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि वो मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि और ये भी प्रशासन की तरफ से दावा किया गया है कि यदि कोई आज तक खेला जाता है तो उसके भी जो है ऐसे सख्ती कार्रवाई की जा सकती है। तो लगातार देखिए बात करते हैं मतदाताओं, मतदाताओं को काफी उल्लास देखने को मिल रहा है, क्योंकि मतदाता जो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी पल्लवी, सत्यवीर तैयारियों के हिसाब से अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो कोरोना का जिस तरह से संक्रमण का खतरा बना हुआ है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई है पोलिंग बूथ पर? बिल्कुल, देखिए पोलिंग बूथ में बात करते तो प्रशासन तरफ से तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग का काम पालन किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से आखिरी चुनाव है तो प्रशासन तरफ से जिस तरह से कोरोना की जिससे दूसरी लहर जारी की गई, तो आपको बताते चले कि जिस तरह से देश में जो हालात जो बदते बदतर होते जा रहे हैं, वही बात करते हुए लगातार प्रशासन तरफ से काम जो कवायद की गई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना का चल रहा है तो सोशल डिस्टेंस का मास्क का प्रयोग लगातार किया जा रहा है। और चलिए सत्यवीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। किशन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।